क्या आप बता सकते हैं इस मैप के बारे में या फिर इस मैप के बारे में या फिर इस मैप को? ये मैप्स रिप्रेजेंट करते हैं अखंड भारत। तो अब सवाल ये उठता है कि अखंड भारत असल में है क्या और ऐसी कौन सी कंट्रीज मिलके बनता है ये अखंड भारत, और इन मैप्स की क्या कंट्रोवर्सीज है? क्या उसमें सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है या उसमें पाकिस्तान म्यांमार जैसी देश भी है? क्या अखंड भारत असल में बन भी सकता है क्या, और अगर अखंड भारत बन भी गया तो लोगों को इससे क्या फायदा होगा? वेलकम टू माय चैनल ग्राप्स एंड ज्ञान, और आज के ज्ञान में हम ऐसे बहुत सारे सवाल जो आप सबके मन में कभी आए होंगे, आज हम उसी सवालों पे जवाब देंगे इस पूरी वीडियो में। हमारा देश जो मानता है वासुदेवाय कुटुंबकम में, जिसका मतलब है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। भारत के इतिहास में इन्वेजन, लूट, डिविजन्स, मर्डर जैसे कुछ प्रोमिनेंट घटनाएं हैं, जिसका अच्छा खासा एविडेंस भी है, और उन्हीं इतिहास के पन्नों के बीच से कहीं से निकला है ये अखंड भारत, मतलब यूनिफाइड भारत। अखंड भारत एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी के रूप में देखा जा रहा है, जिसके मल्टीपल आइडियाज भी हैं। एक जिसमें भारत के साथ पूरा कश्मीर है, तो दूसरा जिसमें भारत के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ, तीसरा जिसमें भारत के साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका एक साथ, और चौथा और सबसे ज्यादा प्रमोट होने वाला जिसमें तीसरे मैप के साथ थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ईरान तक है। तो अब बात करते हैं थोड़े से इतिहास, क्योंकि ये टॉपिक भारत के एक विशाल इतिहास का ही एक छोटा सा टुकड़ा है। तो समय था 322 BCE, जब अपमान से टूटे एक गुरु और जोश से भरे एक शिष्य ने नंदा साम्राज्य के राजा को इस तरह हराया कि उसका पूरा इतिहास पलट गया, और वो गुरु थे चाणक्य और शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऑक्यूपाइड एरियाज को जीतना शुरू किया, जिसमें अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराकर उनकी बेटी हेलेन से शादी करके उन्होंने एक एलियांस भी बनाया। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसरा और उसके बाद उनके बेटे अशोक, इन सभी ने इस एम्पायर को और बढ़ाया, जिससे कि पश्चिम में फरास यानी ईरान से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक मौर्यों का ही राज रहा था। 185 BC यानी आज से कुछ 2350 साल पहले मौर्यन एम्पायर टूट गया और इसमें जुड़े सभी राज्य एक एक करके अलग हो गए। फिर 28 मई 2023 को जब नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, तब उस पार्लियामेंट में इसी मौर्यन एम्पायर के मैप को शोकेस किया गया, जिसके बाद में ओपोजिशन ने इसी मैप को अखंड भारत का मैप बताकर एक कॉन्ट्रोवर्सी ही बना ली। पर अखंड भारत का मॉडर्न विजुअलाइजेशन तो किसी और इंसान की देन है, और वो इंसान है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। 28 मई 1883 को नासिक के पास भागपुर में पैदा हुए सावरकर बचपन से ही एक एक्टिविस्ट थे। फिर 1910 में इंडियन हाउस नामक एक एक्टिविस्ट ग्रुप के साथ कनेक्शन सामने आने के बाद सावरकर को 50 साल की सजा सुना के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जहां पे बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को माफी की चिट्ठी लिखने के बाद 1924 में जाके उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद सावरकर की लिखी अपनी एक किताब में, जिसका नाम है माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, में उन्होंने अखंड भारत का जिक्र किया। इसके बाद हिंदू महासभा के 19th वर्षगांठ पे सावरकर ने कहा कि हिंदुस्तान को अखंड रहना चाहिए, इसमें कश्मीर से लेकर रामेश्वरम तक और सिंध से लेकर असम तक शामिल है। तो फ्रेंड्स, वो सावरकर ही थे जिन्होंने हिंदू तत्व की नींव रखी, और आज भी RSS उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, यहाँ तक कि 14 अप्रैल 2022 को RSS प्रमुख मोहन भगवत ने अपनी एक स्पीच में कहा कि भारत अगले 20 से 25 सालों में अखंड भारत बन जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है पिछले 600 से ज्यादा दिन से चल रही रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया का इतना नुकसान होने के बाद भी और इतना इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होने पर भी वो अब तक इस वॉर में रुका क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है वेल्थ एक्विजिशन। अब तक $12.5 trillion की वेल्थ रशिया यूक्रेन से ले चुका है, लैंड और बाकी एसेट्स की टर्म्स में।
और ये रशिया के एक पुराने सपने को हकीकत में लाने की एक शुरुआत है। 1917 से 1922 तक रशिया यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का यानी यूएसएसआर का हिस्सा था। कोई भी फील्ड में, चाहे वो मेडिसिन हो या स्पेस प्रोजेक्ट हो या आर्मी हो, यूएसएसआर हमेशा यूएसए को टक्कर देता था। 26 अगस्त 1991 के बाद जब वो टूटा तो उसका सबसे बड़ा टुकड़ा बना रशिया। और अब ऐसा माना जाता है कि रशिया ये इन्वेजन करके वापस यूएसएसआर जितना बड़ा एक साम्राज्य बनाना चाहता है। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन भी एक बड़ा यूनिफाइड कंट्रीज का समागम है। अब ऐसे में अखंड भारत बनाने के लिए इंडिया ऐसे ही उठ के आसपास के देशों पर हमला करके उन पर राज तो नहीं कर सकता। इसलिए मॉडर्न वर्ल्ड में अखंड भारत का मतलब है एक यूनिफाइड जियोपॉलिटिकल एंटिटी, जिसमें जो भी कंट्रीज जुड़ी हो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर अपना एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रख के एक एलियंस में काम कर सकती है। अब इससे होने वाले फायदे तो बहुत है, जैसे यूरोपियन यूनियन की तरह हम भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री बिना पासपोर्ट के जा पाएंगे, फिर चाहे हमें इंडोनेशिया तक क्यों ना जाना हो। यूनिफाइड बॉर्डर्स होने की वजह से मिलिट्री का खर्चा भी कम हो जाएगा और उस फंड को हम एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी चीजों पर यूज कर सकेंगे। और साथ ही यूनिफाइड कंट्री बनने से टेररिज्म भी कम होगा। हर कंट्री से ट्रांसपोर्टेशन होने पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी कम हो जाएगी। यहाँ तक कि सारे सेंट्रल एशिया का वाटर ट्रांसपोर्ट भारत ही कंट्रोल करेगा और चाइना की मोनोपोली बड़े आराम से टैकल कर पाएगा। पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब इतने बड़े साम्राज्य को हैंडल करने के लिए पॉलिसीज बनाना, दूसरे देशों के कल्चर को एक्सेप्ट करना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में चीजें हैंडल करना, ये सब इतना आसान तो नहीं है। पर भारत के महान अखंड भारत के इतिहास को दोबारा वर्तमान बनते देखना एक ऐसा सपना है जो लाखों भारतवासी एक साथ देखते हैं। जहाँ एक तरफ कुछ लोग इसे संस्कृति का विस्तार मानते हैं, वही दूसरे लोग इसे विश्व गुरु की दौड़ का एक पड़ाव भी मानते हैं। सो, इस अखंड भारत के आइडिया में आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आज के ज्ञान में इतना ही। एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग ज्ञान, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ग्रैब सम ज्ञान।